आज मैं जा रहा हूँ काला पत्थर। अरे क्या मारेगा क्या मुझको? सो फिर से वेलकम है आप लोग का मेरा चैनल पे। बहुत दिन बाद मैंने आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि 2 नाइट 3 डेज का है नॉर्थ सिक्किम। और सबसे पहले का पॉइंट होगा हमारा आज का जो काला पत्थर और गुरुदोंगमर और जीरो पॉइंट, जो कि अभी मैं काला पत्थर पे हूँ 14,000 हाइट फुट ऊपर, जो कि ये देख सकता है पीछे का जो सीन, ये पूरी का पूरी काला पत्थर है। और ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ये भी काला पत्थर का सीन है। और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अंत तक देखते रहना। आज अप्रैल महीना 2022 का 5 तारीख है और ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी का पूरा एक काला पत्थर का जो नज़ारा है, बहुत सा प्यारे है ये जगह। नॉर्थ सिक्किम का एक हार्ट भी माना जाता है इसको। और धीरे धीरे बर्फ़ भी सभी पिघलते जा रहा है। आप लोग नॉर्थ सिक्किम आएगा तो जीरो पॉइंट और ये काला पत्थर में बर्फ़ मिल सकता है, ऐसा फ्रेश बर्फ़, क्योंकि गुरुदुम्बर का रास्ता पे जो बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा उधर। बर्फ़ के लिए तो सिर्फ काला पत्थर ही बेटर है आप लोग के लिए। और इधर थोड़ा चाय, गम्बूट, जूते, एक ग्लोव्स लगाने वाला दुकान है इधर, पहले नहीं था, अभी धीरे धीरे टूरिस्ट भी डेवलप होते जा रहा है, इसीलिए इधर छोटा मोटा एक दुकान भी बनाने लगा है, इसीलिए मैं दुकान की तरह ले जा रहा हूँ आप लोग को। पूरा सभी बर्फ पिघल के पानी होके बह रहा है इधर। सभी टूरिस्ट लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं पूरी बर्फ खेलने के लिए, जूते वगैरह भी पहन रहा है इधर। ये है एक छोटा सा काला पत्थर का दुकान। और क्या क्या मिलेगा मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ दीदी को। दीदी क्या क्या मिलेगा? चाय, कॉफी, दम आलू, मैगी, मोमो। वो मैगी का प्राइस कितना है? मैगी का 30 रुपए। 30 रुपए, ठीक है। आप लोग जब इधर घूमने के लिए आ रहे तो मैगी, मोमो और सब कुछ मिलेगा। और साथ में हमारा ब्रदर भी है और थोड़ा काला पत्थर में बहुत एंजॉय कर रहा है। मैगी वगैरह बना ना, सब खा रहा है। थोड़ा सा बताइए, लेकिन लग रहा है हमको तो उधर फॉरेन से आ रहा है जैसे लग रहा है, लेकिन फॉरेन से आया हुआ है, कैसे हो? अभी भाई अभी मस्त हूँ, अभी बिंदास बिंदास है ना। और भाई को चैनल का बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब कर देना भाई को चैनल को, सपोर्ट कर देना। और दीदी क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी धीरे धीरे चले, ठीक होगा। हाँ, और मैं आगे की तरह ले जा रहा हूँ, जो कि उधर जो दिखाई दे रहा है मेन पॉइंट वही है काला पत्थर का, लेकिन बर्फ़ की वजह से इधर रास्ता पूरी का पूरी ये दिखाई दे रहा है बंद है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कष्ट करना पड़ेगा, इधर से थोड़ा गम्बूट वगैरह पहन के चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं उस तरह आप लोग को ले जा रहा हूँ। तो जा रहे हैं काला पत्थर, देखते हैं फिलहाल कैसा बर्फ मिलता है। और कहाँ से आप लोग? हम लोग तो है कोलकाता से। कोलकाता वाले बहुत मस्त होता है ना, आप बहुत मस्त, बहुत मस्त। ओल्ड बंक का पीक पेक पियो और काला पत्थर जाओ। हाँ, साइड पॉइंट 0.0 मिला था। ओके, फिर मिलेंगे दोबारा। बहुत इंजॉय ले रहा है, देख सकते हैं। ओ दादा, गिरेगा गिरेगा। दीदी क्या खेला हो रहा है? खेला हो रहा कि नहीं काला पत्थर पे? एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, ले रहे हैं। ओके, लेकिन जब आप लोग ये काला पत्थर
आ रहा है तो आप लोग का ये जगह पैकेज पे इनपुट नहीं होता है, इसके लिए ड्राइवर को आप लोग अलग से पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक रिमोट कंट्रोल एरिया है। मिनिमम 3000 से 3500 तक आपको इसका चार्ज लग जाता है, मैंने तो 3500 पे लिया है। इसीलिए जब आप लोग आ रहे तो ये जगह को मिस मत करना। बाड़ी कथा है दादा, बिंदास बाड़ी कथा है। मेरा घर है वेस्ट बंगाल में है। हाँ, वेस्ट बंगाल से आए थे हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफुल प्लेस है। नाम? मेरा नाम है प्रभा चटर्जी, बंगाली। बंगाली ना जी। कैसे हो, बाड़ी कथा है? बढ़िया है, ठीक है। अभी इधर का बर्फ भी धीरे धीरे पिघलते जा रहा है, मिनिमम ये अप्रैल लास्ट मंथ तक रहेगा, उसके बाद तो आप लोग का उतना सा ज़्यादा बर्फ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए बर्फ़ देखने के लिए आप लोग अप्रैल लास्ट तक आ सकता है। उसके बाद तो फ्लावर का सीज़न होगा, जहीं कहीं आप लोग सिर्फ फ्लावर देखने के लिए मिलेगा, और जीरो पॉइंट में भी बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। मई जून से तो पूरी का पूरी बर्फ़ का सारे एक ढेर पड़ा है इधर, जो कि ये जितना भी ये बर्फ़ का ऊँचाई है ये रास्ता पे था, लेकिन कुछ मशीन एक्सीवेटर वगैरह लेके ये रास्ता साफ कर दिया, इसीलिए थोड़ा अभी इधर पैदल चलने लायक का है बना दिया। हेलो दादा। हेलो, क्या हो रहा है आज? हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आपको तो लग रहा है सांस कष्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हुआ था, ठीक लग रहा है, थोड़ा बैठ गए हैं। ठीक है, आप तो ऐसे भी मोटा पहन पने, फिर भी धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। और कहाँ से आया है? कलकत्ता से। कलकत्ता कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ 10 दिन का, छुट्टी लेके आया हूँ, पूरे एंजॉय करने। हेलो मैडम, मैगी देखिए ना मैडम, क्या मैडम कैसे फील हो रहा है काला पत्थर में? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है ना, हाथ जम गया, एक नंबर फील हो रहा भाई। और कहाँ से आप? हम झारखंड से। झारखंड, नाम बताए ना? अर्णव घोष, झारखंड से, जमशेदपुर। बच्चे भी लेके आए ना अपने साथ में? देखिए हाथ सब कैसा हो गया। और ये काला पत्थर को नॉर्थ सिक्किम का एक दिल भी कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि जितना भी इधर लोग आता है घूमने के लिए बहुत दिल खुश होके जाता है। भाई का वीडियो देख के यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं वापस जा रहा हूँ काला पत्थर से, अभी गुरुदुम्बर की तरह मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सा हमारा जो घूमने के लिए आया है हमारा जो दोस्तों, वो लोग को थोड़ा सा नीचे तबीयत खराब हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मेरा को लग रहा है गुरुदुम्बा पहुंच पाएगा कि नहीं, फिर भी देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम। आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना? मत रोइए, देखिए सांस प्रॉब्लम की वजह से हमारा मैडम को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। मेरा को तो लग रहा है आप लोग गुरुदुम्बा जा नहीं पाएगा। ये 14,000 हाइट फुट है, वो उधर तो 18,000 हाइट फुट है। बर्फ नहीं है उधर, डेजर्ट टाइप का है। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा आप लोग। हाँ, ऐसा है, बुरा मत मानना, मत रोइए। हाँ, हमारा दीदी बहुत रो रहा है, देखिए ना, ये रुँदैछ। हाँ, और हम लोग जल्दी वापस जा रहा हूँ, क्योंकि गुरुदुम्बर लेक हम लोग ऑलरेडी अभी कैंसिल करने वाला हूँ। अभी हम बैक टू हंगू वैली पे हूँ, जो कि हम लोग काला पत्थर होते हुए जो गुरुदुम्बर लेक जाने वाला था, जा नहीं पाया। हमारा सभी उस लोग को जो तबीयत खराब हुआ, इसीलिए बहुत सारे बीमार पड़ा था, इसीलिए हम लोग बैक टू हुआ।
कभी हुआ था तबीयत खराब? नहीं ठीक हूँ, फिर भी दुख गुरुदम्बा हम लोग जा नहीं पाया कुछ। मेरा छोटा लड़का है इसलिए दुख, मन दुख तो नहीं है, दिल तो नहीं दुखा आप लोग को? नहीं नहीं दुखा, मेरा दुखा क्योंकि वो गुरुदम्बा लेक में जाना चाहिए था। मैंने तो आप लोग को कल ही बोला था बच्चे लेके मत आइए, बच्चे को लाचिन पे रुकने के लिए बोला था। साथ में है उसको छोड़ के कैसे? आप लोग नहीं माना, देखिए इधर बच्चे, इतना छोटा बच्चे है, आप थोड़ा सा टायर्ड हो गए। बच्चे से ज्यादा तो हमारा दीदी को तबीयत खराब हुआ था, दीदी बहुत रो रहा था, अभी तो ठीक ठाक है ना? ओके ओके कोई बात नहीं है, मुर्गी का दांत नहीं है, फिर भी खाता है पीता है, मुर्गी का दांत नहीं होता है ना, फिर भी खाता है। बच्चे को लेके मत आइए क्योंकि 5 साल से नीचे का बच्चे का उधर जाने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि एक बच्चे बीमार पड़ा तो पूरी का पूरी गाड़ी वापस करना पड़ता है, एक ही वजह से किसी ने भी गुरुदम्बा लेक देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ लाचुंग, आज हम लाचुंग के रुकेंगे। ये हमारा जो शाम का डिनर हो रहा है लाचुंग पे, कैसे हो रहा है? हमें बैंगलोर में फिर नहीं आ रहा है। कैसे है खाना? ये खाना बहुत अच्छा है पर हमें बैंगलोर में फिर नहीं आ रहा है। ये खाना मास्टर मालूम तो नहीं बाबू, नहीं मालूम तो आप तो पका ही नहीं। आपको चिकन नहीं मिला? आपको आपको चिकन नहीं मिला? अरे आ रहा है चिकन, आ रहा है उसके बाद टेस्ट बताए। हाँ खाना अच्छा है, है तो चिकन तो है तो छोटा सा ही। टेस्ट कैसे? ओके दीदी, लाचिन से थोड़ा अच्छा सा ना ये होटल पे? आलू थोड़ा सा कच्चा है, कच्चा है, हाँ, कच्चा है, बाकी सब अच्छा है, अच्छा है ना? चिकन थोड़ा सा अच्छा है, उस होटल में लाचिन में नहीं था इतना अच्छा। लेकिन आपको खाना बहुत अच्छा लगा इसलिए पूरा खाली देखिए, थाल भी बहुत खाली बना दिया। और कैसे हो आपको? आपको तो चिकन चिकन ज्यादा दिया जैसे लग रहा है। इंजॉय कीजिए, ये है लाचुंग का होटल, दूसरा जगह से थोड़ा अच्छा है ये होटल, आप लोग भी आ सकते हैं इधर। और मैं आप लोग को रूम की तरह ले जा रहा हूँ, ये है रूम है, मिनिमम आपको 1000 से लेके 1200 तक आ जाता है इसमें एक बंदे का पर पर्सन। गर्म पानी वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा इधर, एक रिजनेबल रेट का होटल है, आप लोग के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नॉर्थ सिक्किम का होटल सभी अच्छा है, लेकिन खाना में थोड़ा कंप्लेन है, जहाँ भी आप लोग खाना खाइए लेकिन अपना मन पसंद का खाना नहीं मिलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ 0 पॉइंट की तरह क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रहा है। हम लोग 0 पॉइंट जा रहा हूँ है ना? यस हम लोग तो काला पत्थर भी घूम के आया और 0 पॉइंट भी जा रहा हूँ आज। आज दादा के साथ हमारा आखिरी दिन है इसीलिए थोड़ा मजा कर रहा हूँ। गुरुदम्बा लेक तो हम लोग जा नहीं पाया, हाँ फिर भी हम लोग 0 पॉइंट जा रहा हूँ, मैं दिखाते रहूँगा आप लोग को 0 पॉइंट, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। सभी वापस लौट रहा है, ये लोग सुबह 6 बजे निकला है। ये है 0 पॉइंट का ब्रिज, यहाँ से टीस्टा नदी शुरू होता है यहाँ से। मिनिमम 0 पॉइंट पे 500 से ज़्यादा गाड़ी आया है इसलिए 1/2 किलोमीटर से इधर जाम लगा हुआ है, लेकिन मैं भी इधर वेट कर रहा हूँ उधर डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए, अभी शुरू होगा।
बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए, जीरो पॉइंट देखने के लिए। भीड़ भाड़ अभी तो सीजन भी बहुत तेज से चल रहा है, इसीलिए जीरो पॉइंट में पाव रखने का जगह ही नहीं है। जब आप लोग जीरो पॉइंट के लिए आ रहे तो सुबह 6 बजे निकलने से अच्छा होगा। जितना सुबह निकलेगा उतना ही आपको आगे तक जाने का रास्ता मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही जाम में फंसा देगा आपको। फाइनली मैं अभी जीरो पॉइंट पे आ चुका हूँ, जो कि ये हमारा लास्ट डिस्टिनेशन है। बहुत सारे गाड़ियाँ हैं इसीलिए बहुत इधर ट्रैफिक लग रहा है, दोनों तरफ से देख सकते हैं। ये है जो जीरो पॉइंट का छोटा मोटा एक दुकान है आप लोग के लिए, जो भी मिलेगा इधर, चाय कॉफ़ी से लेके दारू से लेके आपको गपुट वगैरह। लेकिन इससे 1.5 किलोमीटर नीचे बहुत जाम लगा था, इसीलिए सभी गाड़ी उधर अटक गया। इधर पूरा का पूरा खाली है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि मैं आप लोग का ये थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, जो कि इधर जीरो पॉइंट का जो बोट है आप लोग का वो बोट दिखाता हूँ। और ये महीना तक बर्फ मिलेगा इधर, उसके बाद आप लोग को इधर बर्फ़ नहीं मिलेगा जीरो पॉइंट में भी, क्योंकि बर्फ़ देखने के लिए आप लोग ये रिवर है, ये छोटा सा एक नाला क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग जितने भी बर्फ देखने के लिए है तो अभी इस महीने का अंदर ही आ सकते हैं घूमने के लिए जीरो पॉइंट। उसके बाद तो सिर्फ फ्लावर होगा और थोड़ा रेनी का सीजन भी होगा। दिखाई दे रहा है ये फाइनली जीरो पॉइंट का बोट। अभी हम 15,000 हाइट फुट पे हूँ, जो कि ये जीरो पॉइंट का ऊंचाई 15,000 हाइट फुट पे है, जो कि यहाँ से आगे रास्ता नहीं है जो दिखाई दे रहा है। ये रास्ता बन रहा है क्योंकि यहाँ से गुरुडोंगर लेक जाने का एक रास्ता बना रहा है, अभी तक तो खुला नहीं है, ये बात नहीं खुलेगा। पूरी का पूरी चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे, नहीं तो ये आगे एक माउंटेन है, वही माउंटेन है बस, यहाँ से आगे तिब्बत बॉर्डर पड़ेगा। आज थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है हमको, मिनिमम यहाँ का टेम्परेचर मेरा ख्याल में 5 से लेके 6 डिग्री तक हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा ठंडी भी हो रहा है इधर। ये छोटा सा एक नदी है, वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। क्योंकि इस साइड तो कोई बर्फ ही नहीं है, देख सकते हैं पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है इधर। आप लोग बर्फ देखने के लिए ये रास्ता होते हुए जाना पड़ेगा, तो देख सकते हैं ये पत्थर का ऊपर चढ़ के। ये छोटा सा ब्रिज है, आपको इधर थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो आप पानी का अंदर गिरने का चांसेस होता है, इसलिए बी केयरफुल, थोड़ा सावधानपूर्वक चलना पड़ेगा। और इस साइड पे आप लोग को बहुत सारे बर्फ देखने के लिए मिलेगा। देखिए अभी मैं ये जगह पे आ चुका हूँ, जो कि इधर पूरा का पूरा बर्फ है। ये बर्फ पिघलने के लिए मिनिमम 1 महीना तक तो लगेगा। बहुत अच्छा है इधर का जो नज़ारा, मेरा हाथ भी थोड़ा काम करना छोड़ दिया, इतना हवा मार रहा है ठंडी सा। आज का हमारा ब्लॉग इधर ही ख़त्म होगा। आप लोग को कैसे लगा ये जगह, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सभी ने अपना कमेंट पे बताइए। और आप लोग हमसे ऑल सिक्किम का टूर करना चाहता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि मैंने आप लोग का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।